हेलो, नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अरुण गाजीपुरिया के चैनल पे। तो फिर से एक बार हम फॉर्च्यूनर की एक बेसिक नीड जो होती है ना, उससे रिलेटेड वीडियो। और बेसिक नीड क्या होती है, वो है हमारे पास एड ब्लू। ठीक, इसको हम क्या करते हैं कि आप अगर जाएंगे टोयोटा के शोरूम पे, तो कम से कम आपको घंटों वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है। आप जाएंगे, कार्ड लेंगे, फिर वो बिल कराएंगे, दुनिया भर के जाम होता है। उससे बढ़िया आप वहाँ से खरीद के ले आइए, घर पे अपने कार में आप इसको रिफ़िल कर लीजिए। तो कैसे रिफ़िल होता है, इसका क्या यूज़ होता है, ये सब भी आपको हम बता दें। देखिए, रिफ़िल करने का तो अभी प्रोसेस हम आपको बता देंगे। एक नॉर्मल सा आप समझ लीजिए कि इससे क्या होता है ना, कि पॉल्यूशन जो होता है ना, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, उसके पॉल्यूशन के लेवल को कम करता है। बस बाकी टेक्निकल समझने का कोई मतलब है नहीं। तो चलिए एक बार हम आपको डाल के दिखा देते हैं कि एडब्लू कैसे पड़ता है। ये हो गया बूट इसका ओपन। ठीक, इसके लिए क्या करना पड़ता है, आप जब एडब्लू खरीदेंगे तो बॉक्स के साथ एक इस टाइप का एक पाइप आता है। कैसे खुलेगा ये, ऐसे खोल लेते हैं। तो ये है पाइप और ये है हमारा एडब्लू। तो इसको थोड़ा पास से दिखाइए, इसको ऐसे यहाँ से पकड़ के बस इसे खोल लेना है और ये वाली सील आपको तोड़ लेनी है। अब जब ये हो जाए तो इसको देखिए, ये थोड़ी सी दिक्कत होती है नए नए लोगों को लगाने में। इसको क्या करना है, ऐसे यहाँ लगा के इसे घुमा देना है और ये ट्राई करना है कि ये जो इसमें ये लगा होता है ना ब्लू कलर का, ये निकलने ना पाए। फिर ऐसे करके आप बढ़ा दीजिए। सुने आवाज़ कितनी अच्छी है ये। इसके बाद आइए दिखाते हैं, यहाँ पे एक कैप है, ये इस पे एड ब्लू लिखा हुआ है। इसको ऐसे पकड़ के खोल लें, खुल गया। और ये इसको यहाँ से ऐसे करके इसमें लगा देना है, ये लग गया। अब आपको यहाँ से ऐसे करके इसमें डालना है। थोड़ा सा ये गिरता है, ये वाली दिक्कत आती है इसको डालने में। तो जब ये गिर जाए ज़्यादा, तो इसको आप किसी कपड़े वगैरह से पोंछ सकते हैं। देखिए, 5 लीटर हम डाल रहे हैं, हमारे गाड़ी पे इंडिकेशन आया तो 3000 किलोमीटर के आसपास की, और आपके पास एड ब्लू बची है, तो हम सोचते हैं कि जब तक रहे उसी समय डाल दिया जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों फेस करें, काट दो। तो एड ब्लू से रिलेटेड ये वीडियो है, तो इसमें मैं बता दूँ आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी गाड़ी में एड ब्लू लेवल कम है। देखिए, गाड़ी ऑन किया, यहाँ पे देखिए मेरे में यहाँ दिखा रहा है एड ब्लू। एड ब्लू का ये साइन आ रहा है, यही साइन आपको बताता है कि आप में एड ब्लू कम है या नहीं। अगर ये साइन आप, तो फ्रेंड्स ये वाला साइन जब आता है आपकी गाड़ी में, तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी में एड ब्लू कम है और उसे आपको रिफिल करना है। तो एड ब्लू आपकी गाड़ी में जब 3000-2400 आ जाए तो भरवा लिया करिए। ज़्यादा कभी आप लॉन्ग ड्राइव पे निकल के ज़्यादा दूर चले जाना है, या फिर ऐसे इलाके में चले गए हैं जहाँ टोयोटा का शोरूम नहीं है, तो फिर ये आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसके लिए आपको ये कर लेना चाहिए। उसके अलावा देखिए, मैं एक की ज़रूरत थी, मैं एक और लेके आया हूँ, इसलिए कि अपने पास मैं एक्स्ट्रा एक रखता हूँ। इसका रीज़न ये है कि फिर एडब्लू के बॉटल के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, इससे बढ़िया एक लेके रखिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मेरी गाड़ी में पड़ गया एडब्लू। तो देखिए, जब भी आप एडब्लू डालें अपने से, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये गिर जाता है, तो ऐसे कपड़ा लेके आप थोड़ा नॉर्मली ऐसे इसको, इसलिए बैटरी के पास भी ऐसे गिर गया था, तो इसे आप क्लीन कर लिया करें। ठीक है, तो ऐसे पड़ता है एडब्लू। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। थैंक यू।